हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में फ़ोन वगैरह भी काफ़ी आए, और तो मुझे लगा कि इस तरह की रिक्वायरमेंट मुझे लानी चाहिए। तो आज आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ जो कि एयरपोर्ट के हवाले से है, ठीक है ना? क्योंकि इस तरह के कॉल वगैरह काफ़ी मेरे पास में आ रहे थे कि एयरपोर्ट का कोई जॉब हो तो बतलाइएगा, एयरपोर्ट का हो तो बतलाइएगा। तो आज मैं आपके सामने वो जॉब लेकर आया हूँ और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, और एयरपोर्ट पर आपको पता है कि ऊपर की कमाई काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसमें दो तरह का काम है हमारे पास में, मैं आपको बताऊँगा दोनों तरह का। तो इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताऊँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका लाभ ले पाएँ। लेकिन जो लोगों ने पहले से हमें सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी रिक्वायरमेंट लेकर आऊँगा और काफ़ी अच्छी अच्छी सैलरी की रिक्वायरमेंट लेकर आऊँगा। ये जो है आज एयरपोर्ट का है सऊदी अरब के, क्योंकि इस तरह के मेरे पास में काफ़ी सारे कॉल आए तो मुझे लाना पड़ा ये। और ये जो जिसके पास मैं बताने वाला हूँ, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, पूरे स्टेप बाय, थोड़ा बहुत भी इसको मत निकालिए वीडियो को, क्योंकि ऐसा है मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देने वाला हूँ। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी प्रोफाइल से मैच करती है जॉब है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि इस तरह की जॉब को बंदे देखते हैं, तलाश करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए फिर वीडियो शुरू जॉब करते से हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को तो मुझे प्रेस उम्मीद है कि करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, लेकिन अब मैं बताता हुआ चलूँ आपको कि एयरपोर्ट का जो हमारे पास में काम है वो है एयरपोर्ट लेवर का काम, ठीक है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एयरपोर्ट लेवर का काम है जिसमें कि हमें जो चाहिए वो बंदा, तो सबसे पहले बंदे की एज बता दूं, क्योंकि एज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बंदा 40 से ऊपर भी होता तब भी हमें कॉल कर देता है। तो इसमें जो मांगा है वो 21 से 35 साल के अंदर ही बंदा होना चाहिए। जो भी बंदा इसमें इंटरेस्ट जाना चाहता है और वो जानना चाहता है कि भाई मुझे जाना चाहिए इसमें, तो वो 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। अगर 35 साल से ऊपर होएगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और 35 साल से ऊपर होएगा तो वो कॉल करे ही ना तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपका भी टाइम ख़राब होगा, हमारा भी टाइम ख़राब होगा, ठीक है ना? तो इसमें एज 21 से 35 साल तक चाहिए, और इसमें हमें ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए, सिर्फ 25 बंदे चाहिए, और सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और इसमें जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो 12 आवर्स की रहेगी, एयरपोर्ट पे जो आपकी ड्यूटी है वो 12 घंटे की ड्यूटी है। कंपनी आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, फूड आपका सेल्फ रहेगा। और इसमें ड्यूटी जो है 12 घंटे की है, और आपका इसमें जो सैलरी है वो है आपकी 1000 रियाल इंक्लूड, उसमें खाना रहेगा प्लस 1000 रियाल, 1100। और लेकिन इसमें ऊपर की कमाई काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि भाई इसमें जो कमाई है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो एक रिक्वायरमेंट ये हो गई, इसमें आपकी एज का भी मैंने बता दिया। दूसरी जो है हमारे पास में वो भी एयरपोर्ट की है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है क्लीनर की, क्लीनर एयरपोर्ट पे जो क्लीनिंग करने वाले बंदे होते हैं। लेबर में जो काम रहता है वो कोई भी काम आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का, यानी कि सामान को इधर उधर पहुँचाना, लेबर में तो कोई भी काम आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन क्लीनिंग में सिर्फ आपको क्लीनिंग का काम करना होगा, साफ़ सफाई का काम करना रहेगा, ठीक है ना? तो एज इसमें जो चाहिए 25 से 40 साल तक चाहिएगी, और इसमें भी हमें ज़्यादा बंदे नहीं चाहिएंगे, सिर्फ 15 बंदे चाहिएंगे। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करिएगा नीचे दिए गए नंबर पर, और जीमेल आईडी भी दिया हुआ है, ठीक है? इसमें कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए, फूड आपका सेल्फ रहेगा, ठीक है ना? और ड्यूटी जो रहेगी 9 आवर्स की रहेगी, और वीक में 6 डे काम करना होगा आपको, यानी कि महीने में 26 दिन काम करना होगा, 4 दिन की छुट्टी रहेगी, ठीक है ना? और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 900 रियाल, ठीक है ना? 900 रियाल सैलरी रहेगी, और इसमें भी काफ़ी अच्छी ऊपर की कमाई हो जाती है। और एयरपोर्ट में तो आपको पता ही है, जो बंदे इसमें जाना चाहते हैं, जिनके कॉल आ रहे थे, उनको पता है कि भाई ऊपर की कमाई होती है, तभी वो इतना कॉल वगैरह कर रहे थे। तो आपको मैंने बता दिया, ये हमें चाहिए कि बंदे इसमें काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और इसमें वेरी अर्जेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, हमारे नंबर पर दिए गएगा। और जब जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए प्रॉपर तरीके से, पासपोर्ट का दोनों सेट का स्कैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और एज आपका, एज का ध्यान रखिएगा, CV जो बनाइए एक प्रोफेशनल बनाइएगा अच्छे से, और दिल्ली आना पड़ेगा इंशाल्लाह आपको इसको अप्लाई करने के लिए। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफिस आएंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसमें जो सर्विस चार्ज है वो अप्लाई मिला है, ठीक है ना?
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, लेकिन इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें ताकि आपकी वजह से किसी बंदे का किसी भी भाई बंधु को जॉब मिल जाए और वो इस पर अप्लाई कर सके। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।